हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपो टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूं, जैसा कि फ्रेंड्स रिमूवल डिस्क को अपने कंप्यूटर में लगाया तो फ्रेंड्स एक मैसेज थ्रो हो गया, यू नीड टू फॉर्मेट द डिस्क इन ड्राइव। ओके, और जो भी फ्रेंड्स ड्राइव हो तो जी ड्राइव बिफोर यू कैन यूज इट, यानी कि फ्रेंड्स मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करूँ तभी फ्रेंड्स मैं इसे यूज करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आपके इस पेन ड्राइव में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो फ्रेंड्स आप इसे फॉर्मेट नहीं करना चाहते। ओके, तो सिंपली फ्रेंड्स आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप इस तरह का प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप CMD को ओपन करें, तो यहाँ सर्च बॉक्स में CMD आप सिंपली टाइप करें और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो सिंपली इसे राइट क्लिक करें, एज एडमिनिस्ट्रेटर से आप सिंपली इसे ओपन कर दोगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक कमांड चलाना है CHKDSK। ओके, तो CHKDSK स्पेस देना और आपके पास जो भी पेन ड्राइव है फ्रेंड्स इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है, तो हमारे केस में देख सकते हैं यहाँ पे जी ड्राइव, तो सिंपली आपको यहाँ पे जी देना है और कोलन का सिंबल आपको दे देना है डबल डॉट। ओके, और स्पेस फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ सिंपली एफ यानी फोर्स के साथ जो है वो चेक करें। ओके, तो सिंपली इस पर यहाँ पे फ्रेंड्स आप सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे इंटर कर दें और ये कंप्लीट आपको जो है डिस्क को चेक करेगा और जो भी फ्रेंड्स बैड सेक्टर मिलेगा तो उसे रिमूव कर देगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सम टाइम वेट करना है, तो उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है हमारा प्रोसेस हो रहा है स्कैनिंग का और ये फ्रेंड्स कंप्लीट जो है वो स्कैन करेगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पेन ड्राइव को जो है वो सॉल्व कर देगा। ओके, देन फ्रेंड्स इसे ओपन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ये ओपन ना होगा तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स इसका जो है डेटा रिकवरी का फ्रेंड्स बहुत सॉफ्टवेयर आता है। ओके, तो मैं एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ जिसके थ्रू फ्रेंड्स आप इसे जो है रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो सिंपली फ्रेंड्स प्रोग्रेस हो रहा है और यहाँ फ्रेंड्स आपको सम टाइम वेट करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतना टोटल डिस्क स्पेस। ओके, और इतना यूज, इतना फाइल। ओके, सेक्टर कितना को रिमूव करा है, सो कंप्लीट फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिला और सिंपली ये जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एग्जिट करके कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ चुका हूँ और मैं फ्रेंड्स सिंपली इसे ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है ओपन हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा तो फ्रेंड्स अगर ये जो हमारा इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ये सही नहीं होता तो आपको क्या करते। ओके, तो एक फ्रेंड्स एक सॉफ्टवेयर है EASE। ओके, EASE US। ओके, डेटा रिकवरी, तो सिंपली आप इसका लिंक फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो फ्री डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स ये जो है आपको डेटा को रिकवर कर देगा। सिंपली आपको जो भी ड्राइव हो सिंपली यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करें और स्कैन पे क्लिक करें फ्रेंड्स स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा और देन फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स आप डेटा रिकवर कर सकते हैं सिंपली यहाँ रिकवर पर क्लिक करके। ओके, तो फ्रेंड्स बस आज के वीडियो में इतना ही। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी कोई भी नई अपडेट हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।